इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स पेज पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौरव गांगुली की और उनके बड़े बड़े फैसलों की। जब से सौरव गांगुली आए हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। अब कल वो मीटिंग करने जा रहे हैं राहुल द्रविड़ से एनसीओ के फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हैं राजकुमार सर और निखिल चोपड़ा सर, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि जब से सौरव गांगुली आए, आप भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ गहमा गहमी चल रही है बीसीसीआई में। 3 साल बाद एक प्रॉपर एक फुल टाइम प्रेसिडेंट बीसीसीआई को मिला है। आपको क्या लगता है कि क्या डिस्कशन होगी फ्यूचर प्लान्स को लेकर एनसीए के खासतौर पर? देखिए, मज़े की बात यह है कि एक खिलाड़ी जब बीसीसीआई का हेड बना है क्रिकेट का, और जितनी भी सोच थी सौरव को कि हमें क्रिकेट में ये करना चाहिए था, यहाँ ऐसे निर्णय लेंगे तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, तो अब वो समय आ गया है कि जितने भी उनके प्लान हैं ना, वो सब अमल करेंगे। और मज़े की बात ये, एक खिलाड़ी को कम से कम ये पता है कि क्या निर्णय लेके उसका परिणाम या उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। अब वो समझते हैं कि एनसीए आपकी एक नर्सरी है। जिस तरीके से नर्सरी में आप पौधा खरीदने जाते हैं, जितना छोटा पौधा खरीदते हैं उसको पानी दे दे के सींच के कैसे बड़े पौधे में और फिर उसमें किस किस्म का फूल निकलता है, तो वो नर्सरी अपनी इतनी बढ़िया बनाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में आपकी हमेशा जो क्रिकेट और क्रिकेटर्स की एक जो फील्ड है वो नर्सरी चलती रहे और आपको खिलाड़ी मिलते रहे। तो वो समझते हैं, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी का आप तकनीक में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते आपको, लेकिन एनसीए में जूनियर लेवल और फिर स्टेट लेवल पे क्या क्या निर्णय लेने हैं वो निर्णय लिए जाएंगे। क्रिकेट का बहुत फ़ायदा होगा भारत में, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ और पूरे 100% शोर हूँ, क्योंकि दादा के बहुत प्लान्स हैं और अच्छी बात यह कि अमल करेंगे वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं निखिल सर, क्योंकि दादा जब पहले कप्तान बने थे भारतीय टीम के, तो भारतीय टीम में भी बहुत ज़्यादा बदलाव किए थे, जोश भरा था भारतीय टीम में, तब से वो चीज़ कैरी हो रही है भारतीय टीम में। राजकुमार सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सौरव गांगुली ने ये भी बोला है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भारतीय टीम में सीनियर टीम में है, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वो रणजी में भी लाएंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लाएंगे, उससे कितना फ़ायदा होगा भारतीय क्रिकेटर्स को? देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ये बहुत अच्छा डिसीज़न है सौरव गांगुली का, बहुत मच अप्रिशिएटेड। सारे प्लेयर्स इससे बहुत खुश हैं कि ऐसी कोई पहल कोई कर रहा है। और जैसा कि अभी निखिल ने कहा कि जब एक खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचता है उस पोजीशन पर, जो कि जहाँ पर हमेशा उन्हें पता होता है कि प्लेयर्स को क्या चाहिए, तो शायद सौरव से अच्छा कौन है जो जानता होगा कि प्लेयर्स की क्या डिमांड्स होती हैं, क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं जो कि पूरी होनी चाहिए, और नीचे के लेवल पर अगर पैसा नहीं है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये उन्होंने अपनी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ठीक करने का वो फैसला लिया है, और ये बहुत अच्छा फैसला है मैं कहूँगा। और सौरव एक ऐसे इंसान है जो अच्छे बड़े फैसले ले सकते हैं, और उन्होंने दिखाया है कि कुछ ही दिनों में उन्होंने कुछ बहुत अच्छे फैसले लिए हैं जिससे भारतीय क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय क्रिकेट को ज़रूर फायदा होगा। सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता था, जैसे सौरव गांगुली क्रिकेटर हैं, एक अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए हैं, राहुल द्रविड़ से कल वो बात करेंगे, तो सर उन दोनों के साथ में खेले भी हैं क्रिकेट, तो क्या जब सौरव गांगुली आइडियाज़ देंगे तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में होगा या फिर बेहतर ही नतीजे आएंगे? नहीं, बेहतर नतीजे आएंगे, उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी से पहले भारत के सबसे सफल कप्तान सौरव गांगुली थे। भारत ने जब बाहर जाके टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलिया में, तो सौरव गांगुली थे जीत की एक वो अग्रेशन लेके आए थे टीम में। दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ द बॉल जो जाने जाते हैं कि टेक्निक का महत्व क्रिकेट में कितना है, और सौरव गांगुली को मालूम है कि परफॉर्म करना या किस तरीके से एक खिलाड़ी का बेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक खासियत है सौरव गांगुली की, वो अपने खिलाड़ी के लिए लड़ते थे। आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, मैं जब वो पहले कप्तान थे, श्रृंखला जीते थे, कनाडा में खेला हुआ हूँ, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ये खिलाड़ी हैं जिनको पूरी तरीके से बैक किया था। शुरुआत में जब इन खिलाड़ियों का थोड़ा सा करियर ऊपर नीचे हुआ था तो ये चयनकर्ताओं के साथ लड़े थे। तो एक खिलाड़ी को परखना, उसको किस समय क्या देना चाहिए, ये सौरव गांगुली को पता है। और एक टेक्निक का माहिर और दूसरा जिस तरीके से मैन मैनेजमेंट जानता हो, कला को पहचानना जानता हो, ये दोनों जब मिलेंगे बैठेंगे तो बहुत ही बढ़िया मज़ेदार नतीजे निकल के आएंगे। सर, एक और बहुत बड़ी चीज़ आई है, मैं आप दोनों से ही उस पर सवाल पूछना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा फैसला सौरव गांगुली ने अभी अभी किया है, थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट मैच कोलकाता में खेला जाना है वो डे नाइट टेस्ट मैच होगा। मतलब पिछले हम 2-3 सालों से देख रहे हैं लगातार डिस्कशन हो रहा है, कभी बीसीसीआई मना कर देता है, कभी कोई और मना कर देता है, मतलब डे नाइट टेस्ट जो एक अच्छी चीज़ है टेस्ट क्रिकेट के लिए वो नहीं हो रही लगातार, लेकिन अब सौरव गांगुली के आते ही इस पर फैसला लिया गया। सर, सबसे पहले तो इस पर रिएक्शन देखिए, फैसला उन्होंने करना था और उन्होंने ये चीज़ देख ली। अभी हाल में जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला खत्म हुई है, हर टेस्ट सेंटर में 3,000-5,000 लोग थे,
एक जगह 10,000 थे, 13,000 थे, उससे ज़्यादा लोग आ ही नहीं रहे थे। तो अब टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करना, आईसीसी में टेस्ट चैम्पियनशिप करते हैं, लेकिन लोगों को मैदान में लाना, हर शख्स के पास समय की कमी हो गई है, अब सभी काम कर रहे हैं, उनको स्टेडियम में लाना 5 दिन शायद मुश्किल हो, लेकिन सौरभ जानता है कि अगर ऑफिस आवर्स के बाद 2-2 घंटे भी कोई आ जाता है, 3-3 घंटे भी आ जाता है टेस्ट मैच देखने, और शाम के समय पे पिंक बॉल है, ये कुछ अलग है, इसमें मतलब रोचक रहेगा, कुछ नया है, मज़ा आएगा। तो ये प्रयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, बढ़िया, क्योंकि एक जो सेट फॉर्मेट चले आ रहा था वो जो है लोगों को स्टेडियम भर नहीं रहा था। उम्मीद करता हूँ सकारात्मक सोच है, सकारात्मक रवैया है, और नतीजा भी सकारात्मक रहेगा। सर आपका क्या कहना है डे नाइट टेस्ट पर? पहला डे नाइट टेस्ट मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा कोलकाता में, आपका इस पर क्या नज़रिया है? देखिए ये अच्छी बात है कि एक रिवाइव करने के लिए ये डिसीज़न लिया जा रहा है, लेकिन प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उनको थोड़ा प्रिपरेशन का समय देना चाहिए था, थोड़ा प्रैक्टिस वो कर लेते पिंक बॉल से, नाइट क्रिकेट खेलते थोड़ा सा उससे प्रैक्टिस में अभी नहीं होंगे, अब तो एक्लिमेटाइज नहीं होंगे ना भारतीय प्लेयर्स ना बांग्लादेश के खिलाड़ी, तो शायद थोड़ी सी जल्दबाजी मैं कहूँगा की गई है इसमें। एक स्टेप अच्छा है, ज़रूर पब्लिक आनी चाहिए तभी गेम में इंटरेस्ट रहता है, और एंड ऑफ द डे मेरा भी यही मानना है कि टेस्ट क्रिकेट इज़ द रियल क्रिकेट, और जब वहाँ पर अगर दर्शक नहीं आ रहा तो ये बहुत अफसोस की बात है, और इसको रिवाइव करने के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इतनी जल्दी इस टेस्ट मैच को कर देना कि प्रिपरेशन का टाइम ना मिले दोनों टीमों को, वो शायद थोड़ा जल्दबाजी है। सर एक बार दिलीप ट्रॉफी खेली जा चुकी है पिंक बॉल में, यहीं पर नोएडा में खेली गई थी, और 11 टेस्ट मैचेस भी खेले जा चुके हैं, और सबसे अच्छी बात है जितने भी 11 टेस्ट मैच अभी तक डे नाइट खेले गए हैं सबके नतीजे निकले हैं, अभी दो टेस्ट मैचेस और होने हैं भारत के अलावा, नवंबर में 2 टेस्ट मैचेस और होने हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सौरव गांगुली के आने से और भी क्रिकेट का फ़ायदा होगा, प्लेयर्स का फ़ायदा होगा, और एक जब क्रिकेटर एक प्रशासक बनता है, एक कमान संभालता है BCCI की, तो उसको पता होता है ऊंचाई और नीचे सभी बारीकियों के बारे में मालूम होता है कि क्या एक क्रिकेटर को चाहिए होता है क्रिकेट में ग्रो करने के लिए। तो हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे क्रिकेट की, जो भी क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, तो बने रहिए हमारे स्पोर्ट्स पेज के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।